हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए 1200 रुपये का शेयर, आपको यकीन नहीं होगा इतनी बड़ी गिरावट आई है कि 300 रुपये तक गिर गया। लेकिन इसके जो ऑर्डर आज ये मिला है, इस ऑर्डर को देख के बिल्कुल मैं कहूँगा चकाचौंध करने वाला ऑर्डर। 826 करोड़ का ऑर्डर मिला है और मानने वाली बात है कि दिल्ली मेट्रो से ये बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके अलावा एक जगह पे ये एल1 बिल्डर भी घोषित हुआ है, उसको भी देखते हैं, साथ में स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल को भी देखेंगे। बड़ी गिरावट जरूर आई शेयर में, 1200 के लेवल से 300 के लेवल पर जाना, हल्का सा इसने थोड़ा सा पॉजिटिविटी जरूर दिखाई है, लेकिन ये ऑर्डर क्या इसको ऊपर लेके जाएगा वो सब देखना रहेगा आने वाले टाइम पर। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं शेयर की तरफ, इसके ऑर्डर की तरफ, इसके फंडामेंटल टेक्निकल की तरफ बात करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और दूसरी बात, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपने अब तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए और 2 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे और पैसा कमा पाओगे जब आपके पास होगा डीमैट अकाउंट। सीधे लेके चलता हूँ आपको अब शेयर की तरफ, जरा देखिए इसके चार्ट को। और ज़्यादा पुरानी वाली बात नहीं है, ये है मई 2018 वाली बात है, यानी कि 1.5 साल के आसपास हो गया जब ये 1200 के लेवल पर ट्रेड करता था, 1230 1240 के आसपास ट्रेड किया करता था। ऐसी गिरावट आई शेयर, 2018 की गिरावट जो रही, फरवरी 2019 तक शेयर ने लो 300 के आसपास का लो बनाया, फिर पॉजिटिविटी आई, जंप जरूर देखने को मिला, लेकिन वापस शेयर जब नीचे गिरा तो वही 300 की जो रेंज थी, 310 300 की रेंज थी, वहीं पे सपोर्ट मिला। अब हल्की सी पॉजिटिविटी और आई है, आगे क्या चलता है, कौन सा शेयर है, क्या टेक्निकल है, उनको देखते हैं। पहले देखिए दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में काम करती है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट में काम करती है। आप देख सकते हो कि छोटा सा कितना कम मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। सोचिए जब 1200 का इसका प्राइस था तो उस टाइम पे कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, 15,000 करोड़ के आसपास का। मिड कैप से स्मॉल कैप की तरफ बढ़ चुका है ये शेयर, देखिए निचली तरफ को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टॉक की जो बुक वैल्यू है 213 की है और अर्निंग पर शेयर देखिए आप 28 रुपये के आसपास का। पी रेशो देखिए आप अभी, क्योंकि प्राइस नीचे आ चुका है तो पी रेशो आपको अट्रैक्टिव लगने लगेगा, पीजी रेशो अच्छा लगने लगेगा, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, लेकिन शेयर्स गिरवी रख लिए गए हैं, 27% शेयर्स गिरवी रखे हैं, जो कि एक नेगेटिव बात है शेयर की। प्रॉफिट एंड रिजल्ट, प्रॉफिट को देखते हैं, रेवेन्यू को देखते हैं, देखिए 200 करोड़ से लगातार रेवेन्यू बढ़ता गया और आज की डेट में 9000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए, 19 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती गई और आज की डेट में 547 करोड़ की जो है लास्ट क्वार्टर का इसका प्रॉफिट है। लेकिन उससे पहले अगर मैं क्वार्टरली नंबर्स दिखाऊं आपको कि मार्केट में बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली, उसका कारण है कि लास्ट ईयर आप देख सकते हो कि भाई जून का रिजल्ट तो 223 करोड़ का प्रॉफिट जरूर दिखाया, लेकिन उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी कमी आई। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो शेयर का प्राइस भी गिरा है और शेयर का प्राइस डेफिनेटली गिरा, आप देख सकते हो क्लियरली। अभी सितंबर क्वार्टर में मात्र 26 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया, लेकिन जो अभी का ऑर्डर है वो बड़ा ऑर्डर मुझे देखने को मिल रहा है। अब मैं ऑर्डर की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ सीधे। 826 करोड़ का ऑर्डर मिला है, दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट इसको मिला है। शेयर में थोड़ा सा गेन जरूर आया, तो आपको मैं सीधे दिल्ली बिल्डकॉन के ऊपर लेके चलता हूं। तो लेटेस्ट न्यूज है, लोएस्ट बिडर यहां पे ये था 826 करोड़ का, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड जो इसका जॉइंट वेंचर है, इसके साथ ये L1 बिल्डर घोषित किया हुआ है। प्रोजेक्ट पार्ट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, एलिवेटेड जो वायर डक्ट बनाना है, एलिवेटेड रैंप बनाना है, साइडिंग लाइंस बनानी है और वायर डक्ट फॉर कनेक्शन टू मुकुंदपुर डिपोर्ट एंड 4 एलिवेटेड स्टेशन बनाने हैं फेज 4 दिल्ली मेट्रो में। अब आप देख लीजिए भाई, मैं कहूँगा भाई बड़ा ऑर्डर। ऐसी स्थिति में जहाँ पे शेयर का प्राइस बिल्कुल निचले लेवल पे चल रहा है, वहाँ पे ये 826 करोड़ का ऑर्डर एक लाइफ लाइन काइंड ऑफ है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये ऑर्डर है, दिल्ली बिल्डकॉन लिमिटेड के जॉइंट वेंचर को, मुकुंदपुर डिपोर्ट के आसपास का है, 4 एलिवेटेड स्टेशन, फेज 4 दिल्ली मेट्रो। चलिए भाई बहुत बढ़िया भाई, DMRC की तरफ से ये ऑर्डर मिला है। और इसके अलावा पार्सली इंटीग्रेटेड एंड पार्सली इंडिपेंडेंट फ्लाईओवर ऑफ PWD बिटवीन आजादपुर एंड डेरावाला नगर जो GT रोड के आसपास है, वो भी इसको काम करना है। तो जो ये कंप्लीशन है, 7.4 किलोमीटर का वर्क है, वो 30 महीने में इसको कंप्लीट करके देना है, ऐसा इसने फाइलिंग में बताया है। शेयर के प्राइस में जरूर पॉजिटिविटी आई। इसके अलावा जो एक और बड़ी खबर इसमें है वो भी देख लीजिए, DBL receives LOA for गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है, उसको इसको 36 महीने में कंप्लीट करके देना है, LOA यहाँ पे भी मिला है। तो बड़ी खबर ये, 47.50 किलोमीटर टू 90.535 किलोमीटर, एक फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड 4 लेन टू 6 लेन, एक्सपेंडेबल टू 6 लेन डिवाइडेड
कैरिजवे इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो आपको गोरखपुर के आसपास एक ये स्टेट एक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, ये भी इसको कंप्लीट करना है। तो इसकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट मानी जा रही है वो 1250 करोड़ की कॉस्ट मानी जा रही है, और 36 महीने में ये भी कंप्लीट करना है। तो 862 करोड़, साथ में ये 1250 करोड़, मैं कहूँगा भाई 2000 करोड़ से ऊपर का इसका ऑर्डर ओवरऑल हो चुका है भाई, बहुत ही बढ़िया बात भाई। दिल्ली बिल्ड कौन लिमिटेड हाईवे बनाता है, देख लीजिए आप क्लियरली, एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट 1250 करोड़ का, 862 करोड़ का दिल्ली मेट्रो का, क्या ये ऑर्डर्स इस शेयर को फिर से ऊपर लेके जा पाएंगे? ये तो देखना पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी के बाद। अभी ये मान के चलिए कि इसको अगले 36 महीने यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल का काम इसके पास, ये बड़ा ऑर्डर आ चुका है भाई। चलिए एक नज़र अब देखते हैं, स्टॉक के फंडामेंटल देखा हमने, रिजल्ट देखा हमने, अब हम चलते हैं देखिए टेक्निकल पे। टेक्निकल में मूव करते हैं, टेक्निकल से पहले मैं आपको दिखा दूं आज की डेट में जिस तरीके से मार्केट में बड़ी गिरावट आई, लेकिन इसका शेयर थोड़ा सा पॉजिटिव होकर ही बंद हुआ है। ओपन 379 पे हुआ था, 387 का हाई जरूर बनाया, और 383 के आसपास का इसका लास्ट प्राइस है। अगर मैं यहाँ पे खरीदारी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1,60,000 शेयर्स जो है खरीदे गए, छोटा शेयर हो चुका है, स्मॉल कैप की दुनिया में जा चुका है ये। 45 लाख शेयर्स की डिलीवरी, 28% की डिलीवरी मैं इसको कहूँगा। टेक्निकल की तरफ मूव करते हैं, टेक्निकल की जैसे मैं पहले ही बात कर रहा था आपको कि बहुत बढ़िया जंप इसने लिया था, जैसे जब मार्केट में जब नया नया आया था उस टाइम पे ऑलमोस्ट 200-250 के आसपास ट्रेड किया करता था, वहाँ से जंप लिया ऊपर गया, बड़ी गिरावट ये आई। अब बात आती है कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। पुराना टाइम तो आपने देखा भाई, पास्ट का आप डिटेल देख सकते हो कि किस तरीके से शेयर में गिरावट आई, चढ़त हुई, बढ़ा गया शेयर, लेकिन यहाँ पे अब देखते हैं आने वाले टाइम पे जो टेक्निकल्स दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ टेक्निकल्स में, अगर मैं डाउन ट्रेंड के लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इन दो पॉइंट्स को ड्रॉ करते हुए, तो डाउन ट्रेंड की लाइन धीरे धीरे करके यहाँ पे पार जरूर हुई थी बीच में, लेकिन फिर से स्टॉक नीचे आ गया और एक कंसोलिडेशन जोन मुझे धीरे धीरे दिखा रहा है, एक कंसोलिडेशन जोन जरूर दिखा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हर्डल है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्स्टिकल है वो है 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन। आप देख सकते हो किस तरीके से ये 2-3 बार 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन तक गया है, फिर वापस आ गया और फिर से गिरावट इसमें आई है। अब मैं अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में इसको दिखाऊं आपको, तो देखिए आप डाउन ट्रेंड की जो छोटे टाइम फ्रेम की लाइन है ऐसी, देखिए मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको आप देख सकते हो कि जो मैं ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड की वीडियो लाइन्स ड्रॉ करता हूँ, वो आप उसमें देख सकते हो किस तरीके से ड्रॉ करनी है और का आप फायदा ले सकते हो। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पे अगस्त 2019 के बाद एक बड़ी पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली है, जिस तरीके से सितंबर के टाइम फ्रेम पे इस शेयर में एक बड़ी रैली आई थी और स्टॉक 300 के लेवल से इसने ऑलमोस्ट 480 तक का हाई टच किया था, 470 तक का। क्लियरली ये कोई ये मान के चलिए कि सीधे सीधे 160-170 पॉइंट, मतलब कि 50-60% के आसपास का ये गेन अपने आप में बड़ा गेन होता है, 50-60% के आसपास का गेन ये है। उसके बाद स्टॉक ने वापस जो है डाउन आया, ये वापस नीचे 360 के लेवल पे आया, फिर पॉजिटिविटी आई, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद अब जो रैली अगली आएगी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बड़े वॉल्यूम्स टाइम टू टाइम आप देख सकते हो, फिलहाल जो डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है, जो लोग खरीदारी कर रहे हैं उसकी उसकी जो रेंज है, कहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, यानी कि 300-350 के लेवल पर लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। जैसे शेयर इन लेवल पर आ रहा है, यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। अभी भी देख सकते हो कि आज का जो कैंडल बनी है वो बिल्कुल डॉजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है, एक पॉजिटिविटी यहां पे आ सकती है और बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल के पास अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल सपोर्ट लेवल मैं कहूंगा, ये वाला सपोर्ट लेवल आप देखिए जो कि है हमारा कौन सी डेट का, ये 17-18 के आसपास का है, और वो भी नवंबर 17-18 के आसपास का सपोर्ट है, उसी के आसपास ये शेयर यहां पे बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है और उससे ऊपर से ये बड़ा ऑर्डर जो पॉजिटिविटी की ओर इसको लेके जा सकता है। अब बात करता हूँ मैं बड़े शेयर होल्डर्स की। देखिए ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फ्रैंकलिन टेम्पटन इन्वेस्टमेंट फंड, ये बड़े बड़े फंड हाउसेज इसमें इन्वेस्टेड है। प्रोमोटर की बात करें तो देखिए दुलीप सूर्यवंशी जी मेजर प्रोमोटर है, लेकिन उन्होंने अपने 32% शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। देवेंद्र जैन जी दूसरे बड़े प्रोमोटर हैं जिनका 26% की होल्डिंग है, उन्होंने अपने 29% शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप देख रहे थे कि शेयर्स गिरवी रखे हुए बहुत ज़्यादा है, ये एक नेगेटिव फैक्टर है शेयर में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिविडेंड की, तो थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देता है, ज़्यादा डिविडेंड इसने दिया नहीं है। बोनस की बात करते हैं तो बोनस इसने कभी अनाउंस नहीं किया। तो ये आपने देखा दिलीप बिल्डकॉन, एक शेयर जो कि बड़ी गिरावट आई, अब इसको दो बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ
आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। दिलीप वेल्डकॉन का हमने फंडामेंटल देखा, टेक्निकल देखा, गिरावट देखी, साथ में हमने इसके दो ऑर्डर दिए, गोरखपुर एक्सप्रेस वे, एक दिल्ली दिल्ली मेट्रो की तरफ से जो ऑर्डर मिला उनको फोकस किया है उसमें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।